Hey guys, welcome to my channel और welcome और ये है मेरा full vlog और ये है water park का vlog। तो सुबह morning में हम उठे और उठने के बाद हम water park जा ही रहे थे कि मेरा एक parcel आ गया और वो parcel लेने के लिए मैं लेने गई तो मेरी बेटी बोली कि मैं इसको unbox करूँगी। मैंने कहा okay बेटा, तो वो उसको unbox कर रही है। टेंटन इसमें से निकले हैं दो लोअर जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाए थे और ये समर के लिए हैं। विंटर के तो बहुत सारे मंगा चुकी हूँ मैं, तो ये समर के हैं बट अब पता नहीं कौन आ गया। और गेट पे कोई था, इन्होंने देखा। इसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड बस ऐसे ही तैयार होकर, मैं क्या ही बताऊँ। अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं। मेरी बेटी तो मेरे बिना बाहर जा ही नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज हमें वाटर पार्क जाना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वाटर पार्क के लिए, और उसकी वजह से ही हम वाटर पार्क जा रहे हैं। और मैं अपने घर से बाहर निकल गई हूँ रेडी होकर हम सभी, और बस कार में बैठ गए और हम लोग चल दिए हैं। और अभी अब वो है अकेली तो उसके लिए तो कोई पार्टनर चाहिए है, तो ये मेरी जेठानी की बेटी है। इसको हमें स्कूल से लेने गए उसकी यूनिफॉर्म में, और फिर मेरे पास उसके कपड़े भी नहीं थे। फिर मैंने नव्या का डेली वेयर का ड्रेस रख लिया था कि मैंने कहा इसको ये पहना दूँगी। और हम लोग चल दिए हैं वाटर पार्क की तरफ। ये देखो, और ये वाटर पार्क की साइड हम बस पहुंच ही रहे हैं। और ये आ गया है कॉर्बेट वाटर फन वाटर पार्क, और हम बाहर हैं पार्किंग में कार लगाने के लिए। यहाँ पे कार लगाने के बाद हमें एंट्री लेनी है। मम्मी जी बच्चों को लेके अंदर चली गई है और हम टिकट्स लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमने कार लगा दी मेरे हस्बैंड ने और हमने यहाँ से टिकट लिया टिकट लेने के लिए बस टिकट लिया और अंदर एंट्री करी। वैसे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है तो ऐसे धूप में हम बच्चों को झूला वगैरह तो नहीं करा पाएंगे। लेकिन हाँ, वाटर पार्क में पानी में भी बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, जून जुलाई वाली गर्मी लग रही थी। लेकिन क्या ही करें, बच्चों के आगे कहाँ चलती हैं माँ बाप की भाई। पर हम आ गए हैं टेंटर एंड पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और हमें फ़र्स्ट एंट्री ही है, मतलब मॉर्निंग का पहला पानी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ का। इसके बाद ही लोग बहुत ज़्यादा आए थे, पहले तो भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कंजेस्टेड हो जाता है तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अभी हमने यहाँ से कपड़े लिए, मैंने बच्चों को कॉस्ट्यूम पहनाया। Yeah.
और हम ही पर यहाँ पर वो पानी सा खेल ही कर रहे थे कि मेरी बेटी को सुसु आ गई और मेरे हस्बैंड उसको सुसु लेके गए पकड़ने के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था स्लो मोशन में, और ये देखो स्लो मोशन में कैसा लग रहा है वीडियो। बच्चे भी आ रखे थे, स्टूडेंट्स थे, फैमिली थी, बहुत कपल्स थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के लिए तो बहुत फ़न हो जाता है, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा मस्त हो जाते हैं। और स्लो मोशन में वीडियो बनाया है, बहुत फ़न लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को भूख लगाई थी, तो फिर बच्चों को जब भूख लगी तो बच्चों के लिए मैगी बनवाया हमने। वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास खाने के लिए था नहीं, और मम्मी जी के लिए रोटी मैं खुद ही लेके आती हूँ बाहर से, क्योंकि वो बाहर का नहीं खा सकती हैं। तो फिर उन लोगों ने मैगी खाया, मैंने पेटीज खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया। बस बच्चों को खाना खिला ही था कि हम लोगों को बाहर खाने के लिए जाना था, मतलब किसी घर में, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और मम्मी जी के फ़ोटोज़ खींचे मैंने, बच्चों के, हस्बैंड का और सबका। फिर हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ, कुछ शायद वहाँ से कुछ लेना है। फिर मम्मी जी ने बोला कि मेरी यहाँ पे फ़ोटो खींचो, फिर मैंने उनके वहाँ पे फ़ोटो खींची। और ये देखो हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, अभी तो हम शायद कैंटीन जा रहे हैं। और ये मैं निकली, फिर यहाँ पे झूला वगैरह, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छा था। और कहीं पे भी मतलब काउ वगैरह था, और हॉर्स, फ्लावर, झूले वगैरह, ये सब चीज़ें थी। ढूंढते ढूंढते फाइनली वो रेस्टोरेंट आ गया है, वो ढाबा आ गया जिसे जिसका हमें वेट था, मतलब एक पंजाबी ढाबा था। और ये आ गया, यहाँ पे भी फ़ोटोज़ के लिए, बच्चों के लिए झूले वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है, बच्चों को फ़ोटोज़ वगैरह। धूप बहुत थी तो धूप की वजह से हमने इतना ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्या ही बताएं। पर क्या करना है, भूख अभी इतनी तेज़ लगी थी, और वाटर पार्क में तो कुछ खास खाने के लिए था नहीं, इसलिए हम लंच करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये देखो पीला फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा था। हम अंदर गए तो बच्चे झूले के लिए ज़िद करने लगे, बच्चों को झूला पे बिठाया, मैंने फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाया उनका। ये देखो बच्चे कितने ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, तो मम्मी जी बोली कि उसको यहाँ पे बिठा देते हैं, और वो वॉशरूम चली गई और मैं बच्चों को यहाँ पे झूलाने लगी। और गुल्लू भी, अभी मैंने नव्या का ड्रेस उसको जैसे तैसे पहनाया है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम घर जाते और उसके कपड़े लेते, इसलिए मैंने उसके पास उसके लिए शूज़ या फिर स्लीपर नहीं ले पाया। और ये देखो हम अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर ली हमने, और मैं नव्या का वेट कर रही थी, नव्या पीछे से अपनी दादी के साथ आ गई, और मैं देखो उसको ही देख रही हूँ, और वो देखो दौड़ती हुई आ रही है। और जब वो अंदर आ गए, हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, और खाने में हमने पालक पनीर और एक पंजाबी थाली और मिस्सी रोटी और नान वगैरह ये सब खाया। और खाने की मैं नहीं बना पाई, खाने के बाद और भाई हम कहीं जाएं और फ़ोटोज़ ना लें,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ वाटर पार्क की क्लिक की हुई फ़ोटोज़ हैं, सेल्फी ही है, जैसे मैं खींच पाई वैसे ही खींचा मैंने। तो हमने बहुत इन्जॉय किया और आप भी इन्जॉय करिए मेरे ब्लॉग को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और इन्जॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग हम कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और क्या करने वाले हैं। तो ऐसा तो कुछ ख़ास पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ जो भी होगा हम फुल ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे और शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।